ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। हम हर रोज माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएं। दोस्तों इस बार देव उठान एकादशी जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक है 23 नवंबर को मनाई जाएगी यानी गुरुवार के दिन। और आज हम आपको देव उठान एकादशी पे होने वाले कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपका भंडार धन धान्य से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहते हैं यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करिएगा जिससे कि सभी लोग इस वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सके। दोस्तों चलिए अपने विषय पे हम पुनः वापिस आते हैं। देव उठान एकादशी मनाई जाती है जब भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जाग जाते हैं और संसार को चलाने का जिम्मा फिर से उठाते हैं। देव उठान एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के साथ जीवन में कामयाबी का रास्ता भी खुल सकता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय है, देव उठान एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए देव उठान एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएं। दूसरा उपाय है, देव उठान एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें भगवान का। ऐसा करने से आपके करियर या लाइफ में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी प्रतिभा चमकाने के लिए नए अवसर भी मिलेंगे। यदि आप तक आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों तीसरा उपाय है छात्रों के लिए एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना बेहद शुभ माना गया है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो देव उठान एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें और फिर एक पान के पत्ते पे जो कहीं से कटा फटा ना हो उसे गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद पत्ते पे ओम विष्णुवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपकी तिजोरी में धन का प्रवाह बढ़ेगा और धन कभी समाप्त भी नहीं होगा। दोस्तों अगर आपके वैवाहिक जीवन में करवाहट आ गई है और दिन ब दिन रोज स्थिति बिगड़ती जा रही है तो देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह पूजन जरूर करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, आपकी वैवाहिक जीवन में मिठास फिर से वापस आ जाएगी। दोस्तों ये सब ऐसे उपाय हैं जो देव उठान एकादशी पे करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी करियर हो आपका, आपको उसमें दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता मिलेगी। दोस्तों इसलिए ये मौका ना गंवाएं और देव उठान एकादशी पे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपने जरूरत अनुसार उपाय करें और भगवान का आशीर्वाद जरूर पाएं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।